हेलो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों, दिस इज डे 12th ऑफ अगस्त 2020, चैप्टर डिफरेंशिएशन, लेक्चर नंबर 8। पहले 7 लेक्चर्स में आपको टाइप्स ऑफ टॉपिक सिखाया गया, जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा, चेन रूल से लेकर के डबल डिफरेंशिएशन तक, लॉगरिथम से लेकर के एक्सपोनेंशियल तक, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तक, और कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को पलटा पलटी करके और कैसे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, अब सबको मिलाकर के बीच में 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी आएगा, उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, और फिर 2 पार्ट आएगा उसमें सारा बोर्ड्स का क्वेश्चन करते हुए इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे। तो एमसीक्यूज जो है वो आपके जेई के लिए, एनडीए के लिए और बोर्ड्स तीनों तरफ से इंपॉर्टेंट रहेगा। टेस्ट योर सेल्फ टाइप का भी है, अगर आपको लगता है कि खुद से बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का भी ट्राई करेंगे आप लोग। देखते हैं कुछ सवाल जवाब करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स फंक्शन ऑफ मतलब जी ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ 0 बराबर 2 जी डैश 0 बराबर 1 देन एफ डैश 0 बराबर कितना, 1 3 2 0। ओके, सो एफ डैश, सो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स यू इंटू वी लगेगा, ई का पावर एक्स बाहर, जी डैश एक्स जी एक्स बाहर, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, ठीक है। अब एट एक्स बराबर 0 एफ डैश 0 ई का पावर 0 जी डैश 0 जी ऑफ 0 ई का पावर 0 ई का पावर 0 इज 1 जी डैश 0 इज गिवन एज 1 जी ऑफ 0 इज गिवन एज 2 ई का पावर 0 इज 1 सो दिस 1 प्लस 2 दिस कम्स आउट टू बी 3 दिस कम्स आउट टू बी 3 दिस कम्स आउट टू बी 3 क्वेश्चन 2 ट्राई करेंगे। एमसीक्यू को भी ट्यूशन कॉपी में, जो लोग रेगुलर हैं, कुछ लोग तो ऐसे रैंडम क्लास करते हैं, जो लोग रेगुलर हैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन ही बनाइएगा, जैसे स्कूल का कर रहे हैं, जैसे सारा नोट्स बना रहे हैं उसी तरह से अप्रोच करते हुए आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर टू कहता है एफ एक्स बराबर एक्स tan inverse x then f dash 1 बराबर कितना, ऑप्शन है pi by 4 plus 1 by 2 दूसरा ऑप्शन है pi by 4 minus 1 by 2 तीसरा माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 ऑप्शन नंबर चौथा 1 बाय 2 माइनस पाई बाय 4 फिर से वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू इनटू बी एक्स बार tan inverse x bar tan inverse x का 1 by 1 plus x square tan inverse x इसका 1 अब at x बराबर 1 f dash 1 1 by 1 plus 1 2 plus tan inverse of 1 कोई डोमेन रेंज नहीं दिया हुआ है, tan inverse of 1 is pi by 4 प्लस 1 बाय 2 इस क्वेश्चन का आंसर। नोट करो,
गेज में काटा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर वाई प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर वाई प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर वाई इनफाइनाइट तक, एफ जीरो से बड़ा, देन dy by dx बराबर 1 प्लस x by x 1 by x 1 माइनस x by x x by 1 प्लस x, ठीक है। सॉल्यूशन x is equal to e का पावर y प्लस, इन्होंने किया इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन, उनको मालूम है e का पावर y काट दिए प्लस तक है, इसके बाद ये x ही आ जाना, इसके बाद टेकिंग लॉग e बोथ साइड होता है मैथ्स में, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखते हैं, दिस इज टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बट ये मैथ्स में हमसे टेकिंग लॉग e बोथ साइड होता है, दिस इज लॉग x बराबर y प्लस x log e, इसी को log e x भी लिखते हैं, इस तरह से दिस इज log x y प्लस x log e e इज 1, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, y का dy बाई dx x का 1, therefore dy by dx 1 by x minus 1 dy by dx, LCM is x ऊपर 1 minus x by x 1 minus x by x 1 minus x by x 1 minus x by x। कुछ बच्चे बच्चों ना रिस्पांस ले रहे हैं, पहले मेरे से ही पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं शायद, पता नहीं, बट रिस्पांस ही नहीं ले रहे हैं, ना होमवर्क का ना आगे का किस तरह से क्वेश्चंस करना है नहीं करना है, तो कोई फायदा नहीं है, आप ही को लॉस होगा, किसी और को नहीं। बहुत सारा यूट्यूब में फ्री चैनल है पढ़ने के लिए, बट एकदम लाइन बाय लाइन सिलेबस के हिसाब से पूरा घर पर बैठे सिलेबस कंप्लीट जो है वो यहीं पर होगा, तो जो लोग उतना पढ़ नहीं रहे हैं तो अपना ही लॉस है, cannot help। क्वेश्चन नंबर फोर, ये तो अलग से इंपॉर्टेंट भी है, सब इंपॉर्टेंट है, अलग से क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी प्लस वन बाई टी एंड एक्स का पावर फोर प्लस वाई का पावर फोर बराबर टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। दिखने में आसान लगेगा बट उतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है। स्क्वायरिंग कर देंगे टी स्क्वायर प्लस टू ए बी
ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता कितना है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स का पावर फोर वाई का पावर फोर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर बच रहा टी स्क्वायर वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू। अब इस पूरे का वैल्यू दिया हुआ था x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 की जगह t स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर t स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों कट जाता 2 से 2 कट जाता जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1, यहीं से शुरू करते डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, u इंटू भी लगेगा एक्स स्क्वायर बाहर y स्क्वायर का 2y dy by dx y स्क्वायर बाहर x स्क्वायर का 2x बराबर 0। हाँ तो इसमें 2xy कॉमन, 2xy कॉमन तो इसमें x मतलब 2xy को कॉमन ले लेते हैं, तो 2xy को कॉमन ले लीजिए इसमें x dy by dx इसमें 2xy देखो y ये उधर जाकर के खत्म, देखो x dy by dx plus y बराबर 0 therefore x dy by dx बराबर minus y therefore dy by dx बराबर minus y by x। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लिखते भी रहो फटाफट, सिलेबस भी आगे बढ़ाते रहो, पीछे का भी रिवाइज करो, रिलेशन फंक्शन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिफरेंशिएशन सबको आगे बढ़ाओ। फर्स्ट बुक हम लोगों को किस तरह से फटाफट कंप्लीट करना है, फर्स्ट बुक फटाफट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है वाई बराबर x का पावर इनफाइनाइट देन dy by dx ऑप्शन है y x का पावर y माइनस वन y स्क्वायर by x 1 minus y log x y by x 1 plus y log x none of these okay। अब इनफाइनाइट सीरीज पर क्वेश्चन जेई वगैरह में इंडिया वगैरह में खुद पूछा जाता है वाई बराबर ये एक्स का पावर वाई ही हो जा रहा है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लॉग वाई बराबर वाई log x, x का पावर m का m log x, इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 by y, dy by dx, y बार log x का 1 by x, plus log x बार dy upon dx, dy by dx एक तरफ, 1 by y minus 1, बराबर y by x, पहले भी पढ़ा है कॉमन निकाला हुआ है तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशिएशन मत कर देना, वन माइनस वाई देयरफॉर डी वाई वाई डी एक्स ये उधर चले जाएगा वाई स्क्वायर एक्स वन माइनस ये लॉग एक्स कहीं मिस हो गया नहीं
dy by dx common, अच्छा 1 by y minus log x है, this is dy by dx, 1 minus y log x by y, therefore dy by dx बराबर y square by x 1 minus y log x, तो लिखते चलो, क्वेश्चन फिक्स करेंगे, एमसीक्यू का दो पार्ट आएगा, पार्ट वन पार्ट टू, कॉपी में करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाने चलो, फिर बोर्ड लेवल पर दो क्लास आएगा, इफ x बराबर a cos थीटा प्लस log tan थीटा by 2, log tan थीटा by 2, and y बराबर a sin थीटा, then dy by dx cos theta tan theta sin theta cos theta, पैरामीटर का क्वेश्चन है, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, चलो क्लास कर लो, को मालूम होगा कैसे निकालते हैं, पहले dy by d theta, दिस इज a cos theta, फिर dx by d theta में चेंज रूल, a cos theta का minus sin theta, log tan theta बटा 2 का 1 by tan theta बटा 2, tan theta बटा 2 का sec square theta बटा 2, theta बटा 2 का 1 by 2, this is dx by d theta, a minus sin theta, 1 by, this is sin theta बटा 2, by cos theta बटा 2 sec square 1 by cos theta बटा 2 into 1 by 2, ये कट गया, this is dx by d theta is equal to a अच्छा हाँ sec square theta बटा 2 1 by cos square theta बटा 2, मतलब एक ही पावर कटेगा, एक बच जाएगा, दिस इज माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 साइन थीटा बटा 2 और एक कॉस थीटा बटा 2 बच जाएगा, दिस इज साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2, सो दिस इज dx बाय d थीटा इज इक्वल टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा dx बाय d थीटा is equal to a into 1 minus sin square theta is cos square theta by sin theta, ठीक है, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते थे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली dy by dx आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा a cos theta by a cos square theta इंटू साइन थीटा, ए से कट जाता है, इससे ये कट जाता है, एंड डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा, अब इस तरह का क्वेश्चन देखो बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विथ रेस्पेक्ट वाला बच्चे लोग फोन पर बता रहे थे, सर आपने 7 लेक्चर बताया तो उसमें ये विथ रेस्पेक्ट टू वाला टाइप का नहीं बताया, अरे नहीं बताया, जानबूझकर के नहीं बताया, जानबूझकर के नहीं बताया, क्योंकि अलग मेथड नहीं है, ध्यान से इसको देखोगे इसको किस तरह से हम लोग करते हैं, इसमें x मान लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, मतलब y मान लेते हैं a sin क्यूब t को विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा a cos क्यूब t
अब निकालना क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए साइन क्यूब टी, इसको तो वाई माना है विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ये हो गया बात, ये इसका फंक्शन हो गया, दिस इज पैरामेट्रिक टी का, ये हो गया टी का, दोनों को पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी टी ए बार साइन क्यूब टी का थ्री साइन स्क्वायर टी, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, साइन क्यूब टी का थ्री साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का डिफ्रेंसिएशन इज कॉस टी, उसी तरह से डी एक्स बाई डी टी ए बाहर कॉस क्यूब टी का थ्री कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन टी, अब सिखाया गया दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, तो डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस थ्री ए साइन स्क्वायर टी cos t divided by minus 3 a sin t cos square t, 3 से 3 a से a cos से cos 1 से 1, so this is minus tan t, ये हो गया हमारा, इसका वैल्यू हो गया, इसको अगर काटने पर dy by dx बराबर minus tan बट ये नहीं निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये सिखाया गया था कैसे होता है, इस माइनस इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, माइनस टेन टी का डिफरेंशिएशन, माइनस बाहर टेन टी का सेक स्क्वायर टी तो होगा, बट टी को अभी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स बच जाएगा, दिस इज डी टू वाई by dx2 with respect to का क्वेश्चन ऐसे ही बना जाता है, माइनस एक स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स यहां से मिल जाएगा, उल्टा है डिवाइड बाई में हो जाएगा माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और एट टी का वैल्यू पाई बाई फोर है, एट टी बराबर पाई बाई फोर, तो दिस इज sec पाई बाई फोर, sec पाई बाई फोर होता है रूट टू स्क्वायर, दिस इज टू थ्री ए कॉस पाई बाई फोर होता है वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू, और साइन पाई बाई फोर इज वन बाई रूट टू, सो ये टू रूट टू पर चला गया, दिस फोर रूट टू अपॉन थ्री ए, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वाला क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है आलेश अग्रवाल आगे शर्मा केसी ने एनसीईआरटी उसमें मिलेगा, आप ट्यूशन टीचर को गलियाएंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू वाला पढ़ाया नहीं, इसको आता नहीं है, उस वजह से नहीं है, विथ रिस्पेक्ट वाला कोई नया क्वेश्चन नहीं है, जिसका करना है उसको वाई मान लो, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको एक्स मान लो, और वो घुमा फिरा करके पैरामीट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन हो जाएगा, पैरामीट्रिक का ही क्वेश्चन हो जाएगा, पैरामीट्रिक का ही क्वेश्चन हो जाएगा, तो गलियाना है तो गलिया दो, बट अलग से हर एक चीज का अलग से एक फॉर्मूला लिखने वालों में मैं तो नहीं हूं, हर एक चीज का फॉर्मूला लिखने वालों में मैं तो नहीं हूं। अगला करते हैं पार्ट वन का, बच्चों घर पर हो सेफली, अगर सारा सिलेबस लग रहा है कंप्लीट हो रहा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्त यार नाना नानी मौसा मौसी सबके नंबर से सब्सक्राइब करके रखो, 1000 सब्सक्राइबर पूरा होते ही हम लोग लाइव क्लास का सुविधा रख पाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो, दोस्त भाई बहन भैया दीदी के नंबर से जब सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन मत ऑन करके रखो, अगर तुमको लगेगा कि प्रॉब्लम हो रहा है तो, बट सब्सक्राइबर्स काउंट 1000 पार करवाओ तब अपन लाइव क्लास आराम से ले पाएंगे, और फी के लिए भी रिकॉल करवा करके रखो, फी के लिए भी वीडियो को लाइव भी करते चलो, घर पर रहो सिलेबस बड़ा फटाफट खत्म होने को है, वाई बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है पहले का, इफ वाई बराबर सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर वन इज, कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन है वन बाई रूट टू, ऑप्शन है माइनस वन बाई रूट टू, ऑप्शन है वन, ऑप्शन है नन, ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ा था साइन में आईटीएफ में
टैन इनवर्स एक्स को अगर थीटा ले लेते हैं तो एक्स बराबर टैन थीटा, एक ट्राइंगल टैन बराबर का है परपेंडिकुलर बाय बेस, टैन थीटा बराबर का परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, sec theta x square plus 1, ठीक है, तो sec theta का वैल्यू ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan inverse, तो theta बराबर हो जाना है sec inverse of x square plus 1, और theta तो tan inverse x था, तो y बराबर sec of tan inverse x को हम लोग sec inverse of 1 plus x square, चाहे x square plus 1 लिख सकते हैं, कोई डोमेन रेंज दिया हुआ नहीं है तो ये कट जाएगा, तो y बराबर केवल बच जाएगा 1 plus x square, differentiate with respect to x मार देंगे, so this will be dy by dx, root x का 1 by 2 root x और 1 plus x square का 2x, ये कट जाएगा, अब dy by dx at x बराबर 1, dy by dx at x बराबर 1 is ये 1 by root 2 हो जा रहा है, 1 by root 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है, 1 by root 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है, ठीक है, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करो होमवर्क में बनाने का, इसको मिटा दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में बनाओ, कुछ क्वेश्चंस अब आप लोग होमवर्क में बनाइए, पिछला वाला होमवर्क केवल 4 लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग बैठ करके सो, आराम करो, रिलैक्स करो, बाकी लोग सो, ये होमवर्क रहा हमारा, क्वेश्चन है इफ x बराबर 3 sin t माइनस sin 3t, और इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड जी दोनों के हिसाब से, y बराबर 3 cos t माइनस cos 3t, फाइंड d2y by dx2 at t बराबर pi by 3, ऑप्शन है, बट मैं जानबूझ करके दे नहीं रहा हूँ, ऑप्शन तो है और जानबूझ करके मैं दे नहीं रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो खुद से बनाने का, ऑप्शन तो है। एक और होमवर्क अभी किया था ऐसा ही, इफ एक्स बराबर कॉस टी प्लस लॉग टैन टी बाय टू, वाई बराबर साइन टी, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट टी बराबर पाई बाई फोर, जरूर से बना के देखो, जरूर से बना करके देखो, और एक ऐसा आसानी से, इफ एक्स बराबर 80 स्क्वायर वाई बराबर 280, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट टी बराबर 2, ठीक है, ये सब रहा आप लोगों का होमवर्क करो, एमसीक्यू का एक और पार्ट आएगा, फिर हम लोग कुछ बोर्ड लेवल का क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी वीडियो यहीं तक रहेगा, वीडियो को लाइक कर दो और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हेल्प करो, मेरा भी मदद हो जाएगा तुम्हारा भी, लाइव क्लास में ही कुछ पर्सनल डाउट और टेस्ट वगैरह कंडक्ट आराम से करवाया जा पाएगा, ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहता है, थैंक यू।